गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई, आपको अगर जानकारी मिली हो तो दर्शकों से साझा करिए कपिल। देखिए, जो आरोपी के जो परिजन थे, क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, उसके परिवार के सदस्यों का कहना था कि पिता को पुलिस ने ऐसे ही गिरफ्तार कर दिया, लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ तथ्य पुलिस को प्राथमिक जांच में ऐसे मिले हैं जिसमें जो परिवार के सदस्य उनका कोई इन्वॉल्वमेंट सामने आ सकता है, इसलिए पिता की गिरफ्तारी की गई थी। क्योंकि आरोपी बाल अपचारी था, ऐसे में उसे डिटेन किया गया, निरुद्ध किया गया और उसके बाद में उसे जो है वो बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब आगे जो उसकी जो कार्रवाई है बाल न्यायालय में चली जाएगी, तो आरोपी के जो परिवार के लोग हैं उनमें इस बात का आक्रोश जरूर था कि घटनाक्रम घटित हो गया, बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया, लेकिन उसके बाद पिता को गिरफ्तार करना, उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई करना, ये कार्रवाई जो स्थानीय निकाय द्वारा गलत रूप से की जा रही है। हालांकि ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण था कपिल, जिसको मैं चाहती थी कि आप दर्शकों से इसकी जानकारी साझा करें, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो उसके बाद आरोपी के परिजनों की तरफ से यही दलील दी जाती है कि आरोपी को सजा जो है वो प्रशासन दे रहा है, अब हमारे निर्माण को जमींदोज क्यों किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ प्रशासन ये दलील देता हुआ कपिल नजर आ रहा है कि शायद उदयपुर में ये एक मिसाल बनकर के सामने आ जाए कि अब कोई अपराधी अगर ऐसा कृत्य करता है तो ऐसी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी, और शायद यही वजह थी कि बुलडोजर कार्रवाई वहां पर की गई। कपिल, बिल्कुल, देखिए पहली बार उदयपुर में इस तरह की कार्रवाई हुई है जब किसी अपराधी के घर पर सरकार द्वारा बुलडोजर चलाया गया, और यह निश्चित रूप से अपराधियों में एक संदेश देने की कोशिश है कि यदि कोई भी अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ना सिर्फ उन्हें कानूनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी बल्कि सरकार ऐसे भी कदम उठाएगी जिससे वो आर्थिक रूप से भी परेशान हो और अपराध करने से पीछे हटे। तो एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि आरोपियों के परिवार वाले हमेशा से, क्योंकि वो आरोपी भी किसी के परिवार का सदस्य है, तो वो उसको बचाने के लिए जरूर जो है बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, पूरे तथ्य इकट्ठे करने के साथ ही अब उदयपुर पुलिस का कहना है कि एक मजबूत फाइल बनाकर चालान पेश किया जाएगा और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाया जाएगा। हाँ, क्योंकि जानकारी ये थी ना कपिल की जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं वो आरोपी की फांसी की शायद मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही कल इस पूरे मामले में निधन की जानकारी सामने आई थी तो जो देवराज की माता थी, जो हॉस्पिटल में ही मौजूद थी, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए, वो सिर्फ न्याय की मांग करती है, जो आरोपी हैं उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए तभी वो इस डेड बॉडी को हाथ लगाएगी। हालांकि उन्हें बाद में समझाया गया कि जो प्राथमिक कार्रवाइयां पुलिस के और सरकार के स्तर पर हो सकती है वो सारी कार्रवाइयां कर दी है, सजा दिलाना न्यायालय का काम है, एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत इस मामले को सजा तक पहुंचाया जा सकता है और उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, ये विश्वास आरोपी की पीड़ित जो मृतक है उसकी मां को दिलाया गया था। उसके बाद में वे सभी पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। उदयपुर, जो उदयपुर वासी इस अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए हैं, उन सभी की भी यही मांग है कि बाल अपचारी है, उसकी एज कम है, लेकिन इस एज को कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो हत्या की गई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई और इसीलिए उसकी उम्र को नजरअंदाज करते हुए कड़ी से कड़ी सजा तक आरोपी को पहुंचाना चाहिए और इसको इसके लिए पुलिस से लगातार मांग भी की जा रही है और आगे जांच में पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा क्लियर होंगी कि क्या सजा जो है वो निर्धारित की जाएगी आरोपी के लिए। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। कपिल, एक जानकारी आप और दीजिएगा कि कल जब मृत्यु की जानकारी मिली छात्र की, जब उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो प्रशासन का कोई आला अधिकारी पीड़ित परिवार को ढांढस बधाने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा या सरकार का कोई नुमाइंदा पहुंचा वहां पर? देखिए कल की स्थिति जो थी, राखी का त्योहार था, बिल्कुल देवराज की स्थिति स्टेबल बनी हुई थी। सबसे पहले उनकी बहन जो है वो जिला कलेक्टर की परमिशन के साथ में कुल चचेरी बहनें और एक सगी बहन, पांच बहनें आईसीयू में पहुंची और देवराज को राखी बांधी और उसके दीर्घायु की, उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। हालांकि बाद में नकारात्मक न्यूज सामने आई और जैसे ही निधन की ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हुआ और निधन की जानकारी सामने आई, उससे पहले ही जैसे ही ब्लड प्रेशर लो होने लगा था, सारे बड़े अधिकारी जो वो हॉस्पिटल पहुंच गए थे, सभी जो उदयपुर के जनप्रतिनिधि हैं वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उसके बाद में उदयपुर रेंज के आईजी
अजय पाल लांबा और उदयपुर के संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट भी हॉस्पिटल पहुंचे। देर रात तक ये सभी लोग हॉस्पिटल में डटे रहे और परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते रहे। उन्हें हर संभव आश्वासन दिया गया। उनको उनकी मदद के लिए सरकार द्वारा जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उन सभी से उन्हें अवगत कराया गया और उसी के बाद में ये जो पूरा मामला है शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है। क्योंकि कल जब निधन की जानकारी आई थी उसके बाद में कुछ लोगों में अचानक से आक्रोश व्याप्त होने लगा था। हॉस्पिटल के बाहर अचानक से पुलिस ने जो हॉस्पिटल के एंट्री के दोनों गेट है वहां पर बैरिकेड लगाकर आम आदमी की एंट्री बंद कर दी थी। केवल हॉस्पिटल में मरीजों की एंट्री दी जा रही थी। तो हॉस्पिटल के जो गेट है वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी की जा रही थी और इस पूरे घटनाक्रम का विरोध जताया जा रहा था। तो स्थिति लगातार बिगड़ रही थी लेकिन पुलिस के प्रयास जो है वो पहले से बेहतर थे। पुलिस ने लगातार हर इलाके में अपनी टीम को डिप्लॉय किया हुआ था और उनकी ये कोशिश थी कि पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो देवराज है उनका अंतिम संस्कार की क्रिया करवाई जाए और इसमें पुलिस को सफलता भी मिली है। जी, पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो गया था। शांति व्यवस्था वहां पर स्थापित की गई पुलिस प्रशासन की तरफ से और इस यही वजह थी कि बेहद शांति के साथ देवराज का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। लेकिन एक और मांग जो है पीड़ित परिवार की तरफ से की जा रही है वो है सुरक्षा की, उसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ये पहली मांग थी जो कि पीड़ित परिवार और परिवार के जो समाज है उनके द्वारा मांग की गई थी और इस मांग पर सबसे पहले सहमति बनी। तुरंत प्रभाव से उदयपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने इस बात पर सहमति दी कि जो पीड़ित परिवार है उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, किसी तरह से सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो पहली मांग पूरी की गई वो यही मांग थी कि पीड़ित परिवार को स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा आगामी दिनों में मुहैया कराई जाएगी। दूसरी मांग जो थी वो इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट तक ले जाना था ताकि जल्दी न्याय मिल सके, उस पर भी तुरंत सहमति बनी थी। जी कपिल, उदयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी आरोपी के घर पर इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई की गई हो। आपको क्या लगता है कि समाज के जो लोग थे और जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनके चेहरे पर संतुष्टि की भावना दिखी इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि मांग इसकी की जा रही थी उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जो आक्रोश पहले दिन देखने को मिला था क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके कुछ ही समय बाद में बाल अपचारी को डिटेन कर लिया गया था और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कानूनी जो कार्रवाइयां इस घटनाक्रम के बाद होनी चाहिए थी वो कार्रवाई पुलिस द्वारा पूरी कर ली थी और जो देवराज था उसका हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टरों के साथ में इलाज चल रहा था। राज्य सरकार ने विशेष विमान से डॉक्टर्स का एक दल सभी ने की थी कपिल की देवराज की जान बच जाए, लेकिन नहीं बचाई जा सकी देवराज की जान और यही वजह है कि समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया था। लेकिन प्रशासन की यह बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि स्थितियां अभी कंट्रोल में हैं। बहुत शुक्रिया कपिल जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।